हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि मेरी जो डेटाबेसेस होती है, जो डेटा कनेक्टिविटीज होती है, उसको हम रिफ्रेश कैसे करेंगे, वो भी एक बार में सारे के सारे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज है ये है टोटल 101, जी हाँ 101 सैंपल कोडिंग की, सिंपल एंड सैंपल वीवी कोडिंग की, और ये हमारा 16वां वीडियोज है। बाकी वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग और बाकी चीज एक्सेल की पूरी कंप्लीट वीडियो सिक्वेंस में चाहते हैं तो मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका ऐप का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार और चीज करते हैं कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास डेटा कनेक्टिविटी है। मैंने यहाँ फ्रॉम डेटा के फ्रॉम फाइल से या अलग अलग डेटाबेसेस से मैंने क्या लिए हुए हैं, कुछ डेटा कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि मैं यहाँ एक एक्सेल फाइल लेता हूँ, मैं जाता हूँ डी ड्राइव के अंदर, और जैसे साउथ का ही है, इसी को लेके इंपोर्ट कर लिया। या पिवट टेबल वगैरह भी होता है तो उसमें मुझे अपने बहुत सारे पिवट्स वगैरह लगा रखे हैं, सबको मुझे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। अब राइट, अब एक डेटाबेस की होगी तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड आप रिफ्रेश कर देंगे। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आपको रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश कर दी, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, पर कई सारे होते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्रेश ऑल करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट 5 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा फाइल ओपन हो और ओपन होते ही वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ जहां से आपने कनेक्ट किया है तो कनेक्शन के अंदर में क्यूरी कनेक्शन में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आपको आना होगा, और प्रॉपर्टीज में यहाँ रिफ्रेश विंडो ओपनिंग फाइल क्लिक करना होगा। लेकिन एक दो है कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है पिवट बाकी जगहों पे बहुत सारे होते हैं तो हमें सब पे एक एक जाके सेट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फाइल के अंदर जाते हैं, इस वर्कबुक पे आते हैं, और यहाँ पे वर्कबुक और यहाँ पे ओपन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, लिखूंगा वर्क बुक्स में मैं लिखूंगा कि दिस वर्क बुक डॉट नेम और डॉट रिफ्रेश ऑल, बस एक लाइन का कोड करना है। जैसे मैं फाइल को ओपन करूंगा, ओपन होते ही जितने भी डेटा कनेक्टिविटीज है सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। जी हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो इसी तरह की और वीडियोज के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।